दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, जो रिटायरमेंट रहता है वो हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट रहता होगा। आपने देखा होगा, रिटायरमेंट के बाद हमको पैसे की इतनी ज़्यादा ज़रूरत रहती है, क्योंकि उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि वो थोड़ी चीज़ों में कटौती करने लग स्टार्ट कर देते, मतलब कि चीज़ें कम करना, जो पहले इंजॉय करते थे, सारी चीज़ें करते थे, वो कम कर देते, क्योंकि उस टाइम पर उनके पास पैसा नहीं रहता था। क्योंकि उन लोगों ने क्या गलती करी, अगर उन्होंने रिटायरमेंट प्लान नहीं लिया है। अगर आप एक अच्छा सा भी रिटायरमेंट प्लान ले लोगे, तो रिटायरमेंट के बाद ही तो यार एक लाइफ में टाइम मिलता है हम लोगों को कि वहाँ पे थोड़ा एंजॉय करें उस टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे हम थोड़ा फ्री हो जाते हैं हमारी जॉब से। तो यहाँ पे हम एक बात करने वाले आदित्य बिरला सन लाइफ रिटायरमेंट फंड के बारे में। फंड तो रिटायरमेंट फंड काफ़ी सारे आपने देखे होंगे, पर इस फंड में सबसे जो अच्छी चीज़ लगी मुझे, वो लगी ट्रिगर फैसिलिटी। तो आज हम सारे डिस्कशन इस ट्रिगर फैसिलिटी पे करने वाले हैं, और मैं आपको बताता हूँ ये जो ट्रिगर फैसिलिटी है, ये जान के आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा और आप भी इस प्लान के बारे में ज़रूर सोचोगे और करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ बेसिक सी बातें कर लेते हैं। हर फंड का ऑब्जेक्टिव होता है लॉन्ग टर्म आपको वेल्थ क्रिएट करके दे, मतलब कि एंड द रिजल्ट आपके पास काफ़ी अच्छा पैसा हो। तो इन चीज़ों पे हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, ठीक है। जो मेजर चीज़ है इसका, जो NFO में बताया, तो यहाँ पे 19 फरवरी से 5 मार्च तक इसका NFO है। इसके बाद भी ये ओपन एंडेड फंड, इसके बाद भी आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो ट्रिगर फैसिलिटी से क्या ऐसी चीज़ें जो इस फंड को बिल्कुल भी अलग बना रही है, इस प्लान को बिल्कुल अलग बना रही है, और मैं इस पर एक वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ एज ग्रुप आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्या करा है, 30 टू 40, 40 टू 50 और 50, ये तीन कैटेगरी के यहाँ पे एज ग्रुप लिए, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा आपको इक्विटी रिलेटेड, डेट, मनी मार्केट और रिस्क, ये तीनों चीज़ें आई होप आपको दिख रही होंगी। तो दोस्तों, इसी टाइप से ये मैंने कुछ नहीं बताया, ये जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई, ताकि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, इससे पहले एक चीज़ बता दूँ, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। तो दोस्तों, यहाँ पे इस फंड की सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि यहाँ पे आपकी एज कैटेगरी के हिसाब से आपको ये प्लान्स दे रहा है। जैसे आप 30 है, 30 की एज में क्या रहता है कि हम थोड़ा सा रिस्क, हमारी कैपेसिटी रहती है कि हम थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं। तो उन्होंने सेम यही करा है, 30 की एज में जो आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपका 80 to 100% जो आपका फंड रहेगा वो करेंगे इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड स्कीम्स में। वहाँ पे डेट मार्केट में ये 0 to 20% करेंगे। तो यहाँ पे जो रिस्क रहेगा वो आपको पता है, ऑब्वियसली हाई रिस्क यहाँ पे रहना है। इसके बाद जो सेकंड आ जाता है 30 to 40, मतलब 30 प्लस या 40 की एज में आप आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको 200 दे सकते हैं। यहाँ पे 65 से 80, मतलब 65 to 80% पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और 20 to 35% आपका डेट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इक्विटी जो रहता है दोस्तों, आपके पैसे को बढ़ाता है, मतलब आपकी वेल्थ को क्रिएट करता है, और जो डेट रहता है वो आपके पैसे को एक स्टेबिलिटी देता है कि ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपके पैसे में नहीं हो। तो यहाँ पे जो रिस्क रहता है वो हाई टू मीडियम हो जाता है यहाँ पे रिस्क, क्योंकि डेट मार्केट यहाँ पे आ गया है। थर्ड आ जाता है यहाँ पे 40 to 50, यहाँ पे फिर वही सेम चीज़ आती है, 0 to 25% यहाँ पे क्या रहता है कि आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब कि इक्विटी बिल्कुल यहाँ पे कम होते जा रही है। यहाँ पे 75 to 100% आपका डेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे मीडियम टू लो आपका रिस्क हो जाता है। यहाँ पे 50 वाला एज में हम देख लेते हैं, तो 0% यहाँ पे इक्विटी में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, डेट और मनी मार्केट में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 100% है। तो यहाँ पे एकदम लो रिस्क आपको मिलेगा। तो दोस्तों, यही था ट्रिगर फैसिलिटी। इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अगर आप जैसे 30 से आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा, अब आपकी एज 40 होने वाली है, 30 प्लस हो गई है, 40 हो गई है, जो भी हो गई है, तो उस हिसाब से ट्रिगर वहाँ पे काम करेगा। फिर आपका जो 30 वाला जो इन्वेस्टमेंट था वो 30 to 40 में शिफ्ट कर देगा, मतलब कि आपका इक्विटी में धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कम होते जाएगा। तो ये प्लान उन लोगों के लिए अच्छा है जो कि जिनकी सैलरी कम है, जो कि एक रिटायरमेंट प्लान लेना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 साल का इसका लॉक इन पीरियड है, और यहाँ पे आपको इक्विटी देखते जाइए कि जब आपकी कैपेसिटी रहती है थोड़ा रिस्क लेने के, उस टाइम में आपको रिस्क भी दे रहे हैं। और जैसे जैसे आप देखते हैं 50 के बाद कोई भी रिस्क लेना पसंद नहीं करता है दोस्तों, तो वहाँ पे उन्होंने रिस्क को बिल्कुल जीरो रख दिया है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा यार, जो इसकी ट्रिगर फैसिलिटी है वो बहुत ही अच्छी लगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और भी इस पर एक वीडियो हम बनाएंगे। अगर आपको लगे कि इसका सारी चीज़ें यहाँ पे कहाँ कहाँ पे इसका इन्वेस्टमेंट है, तो उस पर हम एक सेकंड वीडियो बनाएंगे। तो आपको अगर सेकंड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और लाइक करो, 100 लाइक का यहाँ पे एम है, और सब्सक्राइब करना है यार चैनल को। थैंक यू वेरी मच।